टू माई चैनल संस्कृत व्याकरण। अब तक हम आपको वर्णों के बारे में बता के आए थे, अब हम आगे शब्द के बारे में बताएंगे कि शब्द क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्णों के मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम शब्द है, रामः गच्छति, वाक्य में राम रामः पद है। शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरे अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम आपको विकारी शब्द के बारे में बताएंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं, विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिनको बदला जा सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद। इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में प्रयोग होते समय इनमें विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जिनको हम लिंग और वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार बदल सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञापद कौन कौन से हैं? जैसे रामः, लता, फल आदि। सर्वनाम पद तत्, एतत्, किम आदि। विशेषण पद विशाल, सुंदर, एक, द्वि, ये हो गए। जैसे संज्ञा पद है, संज्ञा को हम बदल सकते हैं। संज्ञा पद रामः, रामः एक के एक वचन के लिए तो राम है प्रयुक्त होगा, और दो वचन होगा दो तो क्या होगा? द्विवचन होगा, तो रामौ बदल गया कि नहीं बदल गया, तो हो गया ये विकारी शब्द। आगे क्रिया पद भी इसी में आते हैं। क्रिया पद यानी जैसे गच्छति, अगच्छत, गच्छतु, ये सब गम धातु से बनते हैं, लेकिन ये विभक्ति के अनुसार, ये संज्ञा पद के अनुसार इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे रामः गच्छति, राम है ऐसे, रामः गच्छति तो राम जाता है, वर्तमान काल में है और राम जाता है, इसलिए गच्छति गम धातु में गच्छति शब्द लग गया, परिवर्तन हो गया। और रामः अगच्छत, राम गया, भूतकाल में चला गया, इसलिए अगच्छत लग गया, इसलिए इसमें परिवर्तन आ गया। तो क्रियापद में भी काल, पुरुष व वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है। अब आपको बताएंगे हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। उनमें अधिकतर कौन से शब्द आते हैं? अव्ययपद, जैसे कुत्र, यत्र, तत्र, गदा, कदा, च, श्व, ह्य, न आदि शब्द इसी श्रेणी में आते हैं, वो हमारे अविकारी शब्द हो गए। तो आज हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में हमने बताया था। अब जो अविकारी शब्द जो हमारे आएंगे आगे, लिंग, पुरुष और वचन, अब आगे की वीडियो में हम लिंग के बारे में आपको बताएंगे।